अब इसने हाईवे पे खड़ी करी और हाईवे के एकदम बीच में खड़ी करी हुई है, ये चीज़ कभी नहीं करनी। कब? जब फॉग हो, दूसरा जब हाईवे बहुत चलते हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि हाईवे का मतलब ही है कि देखो एक होता है स्पीड लिमिट, बट तुम इंडिया में हो यार, मतलब ऑब्वियस है तुम मतलब कोई हाईटेक सिटी में तो मैं रहते नहीं। मैं हाईटेक सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की नॉर्मल सिटी, मतलब नॉर्मल से मेरी जैसी सिटीज है जहाँ पे तुम बोर्ड भी लगा दोगे ना कि 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाने, 140 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी यहाँ पे, ये सीन होता है यहाँ पे हमारे। तो वही सीन है, तो कई इंडिया का यही सीन है कि हर जगह रूल सेम नहीं होते, पर स्टेट बाई स्टेट मैटर करता है। तो वही सीन है, जिस स्टेट में मैं हूँ, मतलब जिस सिटी में इस वक्त मैं हूँ, वहाँ पे क्योंकि छोटी सी सिटी है यार, यहाँ पे क्या रूल बनाओगे, ये रूल बनाओगे यहाँ ख़त्म हो जाने हैं, इतनी छोटी सिटी है ये। और जल्दी जल्दी फाटक को क्रॉस कर लो भाई, तो बस अभी हम फाटक क्रॉस करने जा रहे हैं भाई, जल्द से जल्द। और हाँ गाइस, आप अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं धर्मशाला के लिए निकल पड़ूंगा। आई होप सो, माशाल्लाह अगर खुदा हमारा साथ दे तो मेरी फर्स्ट ट्रिप धर्मशाला की रहेगी। आई 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 और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिंदगी की पहली ट्रिप होगी, क्योंकि लाइफ में जब YouTube से पहले मैं कभी घूमने भी नहीं गया। तो क्या बोल रहा भाई, मेरे को लगा ट्रक का आ रहा है वापस, ये तो अलग ही सीन हो गया यहाँ पे। तो ये जो सारा इलाका ना, ये सारा इधर का रॉयल इलाका है, रॉयल समझते हो ना, रॉयल, जैसे हर सिटी का एक रॉयल इलाका होता है, मुंबई का भी एक रॉयल इलाका है ना, तो वैसे हमारी सिटी का ये रॉयल इलाका बिल्कुल छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। जितनी बड़ी सिटी उतना बड़ा इलाका, जितनी छोटी सिटी उतना छोटा इलाका, पर रॉयल इलाका हर सिटी का होता है। रॉयल इलाका वो जहाँ पे बड़े दिग्गजदार लोग रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, बहुत ही ज़्यादा मोहजबीन लोग रहते हैं, जो मोहजबीन मतलब बहुत ही आला लोग रहते हैं ना, जो वो माशाल्लाह लोग रहते हैं, जो उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ओके, तो देखते हैं आज हमें जो है कुछ मतलब कुछ छोटा मोटा ठीक ठाक कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता, मिलना तो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट आके देखते हैं। मतलब इस गाड़ी को एक साल हो गया है, मजाक नहीं, और अभी तक इस गाड़ी की माइलेज ही नहीं ओपन हुई। मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, थोड़ी स्पीड पिकअप करनी पड़ेगी। ओके, हम फंस चुके हैं यहाँ पे। मर्सिडीज़ लेंगे हम। देखते हैं कब वो खुदा हमारा साथ देगा, कब उस खुदा का से हमारे सिर पे हाथ पड़ेगा और फिर हम मर्सिडीज़ लेंगे भाई, मर्सिडीज़। क्योंकि हम जो हैं, हम ओडी के भी फ़ैन हैं, बीएमडब्ल्यू के भी फ़ैन हैं, हम तो उसका टोयोटा की फॉर्च्यूनर के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और मर्सिडीज़ के तो चलो है ही। पर हम बैठे कहाँ पे इस वक्त? सुजुकी में, क्योंकि हम इसके भी फ़ैन हैं, समझ रहे हो, माइलेज के लिए जानी जाती है ये गाड़ी। मतलब ठीक ठाक माइलेज आ सकती है, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ओके भाई साहब, ये टाटा का ट्रक हमारी भी कार वॉशिंग का मैंने वो देखा अभी, वो भैंस की आंख भाई, ना हॉर्न ना कुछ, क्या कर रहा है ये लोंडा, एकदम गलत भाई, क्या ही कहने लोगों के। फिर बाद में बोलना है कि भाई क्या बात कर दी तुमने रे बाबा, हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा ट्रक से, नहीं तो गलत काम हो सकता है। कैसे फैला हुआ ये, हम निकल गए भाई इस ट्रक से। अरे भाई साहब, यहाँ पे ना पुलिस होती है भाई, शिट, पुलिस होती है, पुलिस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस होती है, पुलिस होती है रे बाबा यहाँ पे। यार मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग गलत क्यों निकालते हैं यार, मुझे चल छोड़ो, क्यों नहीं समझ में आता, इंडिया में रहकर नहीं समझ सकते हम, एक्सपेक्टेशन रखो कि कोई गलत साइड से आएगा। अरे भाई साहब, तो अभी हमने नाका क्रॉस किया है, तो यहाँ पे सारी फ्रूट्स की शॉप लगी होती है। देखो आपको पता ही होगा
कि कौन सी क्यों किस तरह की रोड होती है जिसके आजू बाजू में ऐसी फ्रूट्स की शॉप्स लगी होती है, ये वो रोड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा। क्यों ये वाली रोड बहुत ज़्यादा क्यों चलती है? क्योंकि ये रोड सीधे जा रही है अपनी डलहौजी की ओर, डलहौजी जा रही है सड़क। तो ओ भाई साहब, अभी हम टाटा कार का भी यार टेस्ट ड्राइव लेना है यार, बहुत जल्दी टेस्ट ड्राइव लेंगे हम टाटा कार की।